नगर पालिका चुनाव का आज फाइनल दिन है, आज तय हो जाएगा कि सरदार शहर की जनता ने किसको अपने सर किसके सर पर ताज रखा है। राजकरण चौधरी का करीब करीब नगर पालिका अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि तमाम जो समीकरण है वो राजकरण चौधरी के पक्ष में है। राजकरण चौधरी के साथ 29 पार्षदों का सपोर्ट है, साथ में उनका कहना है कि निर्दलीय जो पार्षद है वो भी उनके साथ में है। वहीं कांग्रेस के पार्षद लगातार सभी के सभी जो है वो अपना जो मतदान है वो करने के लिए नगर पालिका में पहुँच कर अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं भाजपा के जो पार्षद उन्होंने अपना मतदान कर दिया। मेरे साथ मनोज है, मनोज क्या कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, कांग्रेस के जो 29 प्रत्याशी है और 3 पार्षद है और 3 जो निर्दलीय पार्षद है वो अभी अंदर गए हैं मतदान करने के लिए। उनमें से एक पार्षद है वो वापस भी आ चुके हैं मतदान करने के लिए। लगभग 10 मिनट का समय वो अंदर लगने वाला है, जैसा कि मतदान प्रक्रिया है। 10 मिनट के अंदर सभी पार्षद है वो वापस मतदान करके अंदर आ जाएंगे। आपको बता दूँ कि सरदार शहर के अंदर राजकरण चौधरी का चेयरमैन बनना है वो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जब मोनिका सैनी ने अपना निर्दलीय नामांकन जब वापस लिया था तो उस समय ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी है वो नगर पालिका के 5 साल के लिए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और ये शहर के लिए मैं मानता हूँ कि एक अच्छा संदेश भी है, क्योंकि राजकरण चौधरी है, उनके पिता भी लगातार, उनके पिता का जो कार्यकाल है वो भी एक सराहनीय काल है, लोग उस कार्यकाल को याद करते हैं। तो राजकरण चौधरी है वो भी एक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, मदन सिंह निर्वाण, सर मतदान डाले कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नगर पालिका चेयरमैन? 100% आश्वस्त है, 100% हमारा ही होगा, विजय हमारी होगी। मुंशी जी हमारे साथ, मुंशी जी कितने आश्वस्त आप जीत को लेकर? नगर पालिका चेयरमैन कौन बनने जा रहे हैं? नगर पालिका चेयरमैन हमारे राजकरण जी चौधरी बनने जा रहे हैं। हमारे पास 32 वोट है, 32 के 32 हमें एकजुट है और सर्वसम्मति से हमने उन्हें तय किया है और पूरे वोट पड़ेंगे उनको। निर्दलीय भी आपके साथ है क्या? हाँ, निर्दलीय हमारे पास साथ 3 है, वो सरूसी हमारे साथ ही है। 29 पार्टी जीत के आए थे, 3 निर्दलीय हमारे साथ। कितनी उम्मीद है राजकरण चौधरी से आपको? देखो, हमको ही नहीं पूरे शहर को उनसे बहुत अच्छी उम्मीद है और शहर का बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत अच्छा काम होगा। पूरा शहर ये चाहता था कि राजकुमार चौधरी चेयरमैन बने और हमारे वार्ड पार्षदों ने सभी की भावना भी थी कभी राजकुमार चौधरी ही चेयरमैन बने। कल उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है, किसके नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है? वो तो हमारे नेता पंडित मोहनलाल जी शर्मा जो तय करेंगे, हम उनके साथ एकजुट रहेंगे। अभी नाम तय नहीं हुए क्या? नहीं, अभी कोई नाम तय नहीं है। अब्दुल रशीद चायल का नाम सामने आ रहा है निकल करके, वो अगले उपाध्यक्ष हो सकते हैं? देखो, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है और विधायक साहब जिसका नाम तय करेंगे और सर्वसम्मति से उनको मानेंगे। तो भाजपा जो नेता है उनकी हार बता रहे हैं मुंशी तेली, इनका कहना है कि कांग्रेस की निश्चित रूप से चेयरमैन बनना तय है। हमारे साथ मनोज है, मनोज जिस प्रकार से कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आश्वस्त नजर आएगी, बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि कहीं ना कहीं इनके पास जो 32 पार्षद है वो एकजुट है और राजकरण चौधरी के पक्ष में अपना मतदान करने जा रहे हैं। मतदान हालांकि मुझे लगता है 50% मतदान है। मतदान हो गया आपका? हाँ, बिल्कुल हो गया। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस राजकरण चौधरी चेयरमैन फाइनल है, आपको शंका है क्या इसमें? नहीं सर, हमें शंका नहीं है। निर्दलीय के साथ है क्या? निर्दलीय में खुद नहीं, और जो निर्दलीय दो, बिल्कुल तीनों साथ हैं, सब साथ हैं, तीनों साथ हैं। कितनी उम्मीद है आपको राजकरण चौधरी से? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। 110% शहर का विकास करेंगे और सब मिलके करेंगे। अच्छा काम होगा, शहर का विकास होगा, सड़कें, नाली, खाड़ी, सारा काम होगा। तो लगातार वो पार्षद है वो निकल निकल के आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। राजेश पारिक भी अब वोटिंग करके आ चुके हैं। राजेश पारिक से भी उनकी जानेंगे कि उनका क्या कुछ। राजेश पारिक हमारे साथ में। राजेश जी बधाई हो आपको, किसका बनने जा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष? नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का। राजकरण चौधरी मन्नत है? बिल्कुल। सर, आपके ऊपर भी चर्चा चल रही थी लगातार और जनभावना भी थी कि आपको भी नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अंतिम समय फैसला राजकरण चौधरी के पक्ष में रहा, कहना मनाल है आपको? हमारी पार्टी का एक नियम है, हमारी पार्टी, मैं शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो वन मैन आर्मी है मोहनलाल शर्मा। जो उनका निर्देश है, जो आदेश है, वो जिनके सर पर उनका हाथ है, वही नगर पालिका का अध्यक्ष। सर, आपको भी वार्ड के वासियों ने बड़े मार्जिन से जिता के भेजा है, यूँ कहें कि सदास्तर की जनता ने आपको झोली नहीं तूफानी वोटों के साथ जिता के भेजा, कितनी खुशी है आपको? वार्ड वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा वार्ड, वार्ड नंबर 25 सरदार शहर का एक अलग वार्ड है। उन्होंने पूरे सरदार शहर को एक संदेश दिया था, सरदार शहर की जनता को एक संदेश दिया था कि मेरे काम करने की कार्यशैली कैसी है। मैं नतमस्तक हूँ जनता के आगे कि इतने बड़े मार्जिन से मुझे दिलाकर, और पूरे सरदार शहर का और मेरे वार्ड का, मेरा, मेरे परिवार का नाम रोशन किया। मैं सदैव जीवन भर उनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा और उनका काम करता रहूँ। किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी शहर के लिए, क्योंकि आपका चेयरमैन बनना लगभग करीब करीब तय हो चुका है? हमारा अध्यक्ष जिस दिन यहाँ शपथ ग्रहण करेगा उस दिन ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे अध्यक्ष की कार्यशैली और काम करने का तरीका, आपको 10 दिनों के अंदर अंदर सरदार शहर में ये लगने लगेगा कि कुछ अलग है।
चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो खाद्य गारंटी शिक्षा हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे लोगों के गरीब लोगों के पट्टे हों, वो सारे प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो आपको लगने लगेंगी कि एक अलग नगर पालिका। एक बड़ी जनभावना ये थी कि राजेश पारिक भी है वो चेयरमैन बने, तो उन अपने समर्थकों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई बनता एक है और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे MLA साहब हैं माननीय मोहनलाल जी शर्मा, वो वरिष्ठता के आधार पर, आज राजकरण जी चौधरी मुझसे वरिष्ठ हैं, मेरी उम्र 35 साल है, कभी मुझे फिर मौका मिलेगा, और मैं ये मानता हूँ कि हम सभी जो 32 के 32 हैं वो नगर पालिका के चेयरमैन। मतलब एक और पार्षद सर, पहली बार आप जीत के, दूसरी बार जीत के आए, एक बार फिर से मौका दिया वार्डवासियों ने, क्या कहना चाहूँगा? जो वार्डवासियों ने मुझे दूसरी बार दायित्व सौंपा है उस पर खरा उतरूंगा, और जो हमारा जो चेयरमैन बनेगा वो हम सब चेयरमैन हैं और 32 के 32 चेयरमैन हैं, पंडित मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में एकजुट हैं, और हमारा चेयरमैन 10 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि सरदार शहर का विकास किस ओर जा रहा है। सर जिस प्रकार आपकी जो जितनी बड़ी जीत रही, आपको नहीं लगता वन मैन आप वहाँ पे आर्मी नजर आए, काफ़ी वोटों का मार्जिन आपके बीच रहा, 700 से ज़्यादा वोटों से आप जीत के आए हो? ये मेरी जीत नहीं थी, ये मोहल्ले की जीत थी, मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं पहला, इससे पहले जो चुनाव लड़ा था उसका मार्जिन भी लगभग इतना ही था, तो ये मेरे वार्ड के लोगों की जीत है, उन्होंने ही चुनाव लड़ा, वही चुनाव जीतते हैं, वही काम करते हैं। सर वार्ड जो सरदार की मुख्य समस्या वो पानी निकासी की समस्या घंटाघर के पास, कितना समय आपको इस समस्या के निराकरण में लगेगा? लगभग 5 महीने के अंदर अंदर जो हमारी सबसे बड़ी सरदार शहर की सबसे बड़ी पानी निकासी की समस्या है, 5 महीने के अंदर अंदर मैं आज आपसे और पूरी जनता से ये वादा करता हूँ कि 5 महीने के अंदर अंदर ये बड़ी समस्या का निवारण हम कर देंगे। राजकरण चौधरी जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मेरी शुभकामनाएं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके साथ रहूंगा और उनकी कार्यशैली और उनके निर्देश के अनुसार पूरी टीम, हमारी पूरी टीम काम करेगी। एक और मेरा सवाल है, उपाध्यक्ष कौन होगा, राजेश पारिक या अब्दुल रशीद चायल? ये थोड़ा कहना कठिन है, फिर भी सर एक कल होने चुनाव, ये मान के चलिए कि मैं तो नहीं हूँ इस दौड़ में, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ मैं इस दौड़ में नहीं। आप इसलिए नहीं हो कि आप नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे तो आपको अध्यक्ष से कुछ कम मंजूर नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे MLA साहब जो निर्देश देते हैं वो ही कड़ी चलती है, नहीं कि ऐसा कुछ है कि मैं दौड़ में था या नहीं था, ऐसी कुछ नहीं। अब्दुल रशीद साहिल के नाम पर सहमति बन गई है? भाई अभी हमने चर्चा नहीं की, हमारी मीटिंग होगी सब 32 सदस्यों के MLA साहब की, वो मीटिंग लेंगे, उनमें तय होगा कि नगर पालिका का वाइस चेयरमैन कौन। शुक्रिया सर, हमारे साथ राजेश पारिक जी जुड़ रहे थे लगातार, उनका कहना था कि अभी इनकी ये इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि नगर पालिका का उपाध्यक्ष कौन होंगे, हालांकि जब राजस्थान की जान के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि अब्दुल रशीद चायल के नाम पर करीब करीब सहमति बन चुकी है, क्या लगता है आपको चुनाव कितने समय में परिणाम आ जाएंगे? देखिए मुझे लगता है आने वाले आधा घंटा अगर आप माने तो आधे घंटे के अंदर परिणाम है वो अपने सामने होगा, कहीं ना कहीं परिणाम भी यही होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष है वो राजकरण चौधरी है, तो इसमें कोई अब संशय बचा नहीं है ज़्यादा कि अगर नगर पालिका का चेयरमैन है वो कौन होगा, क्योंकि शहरवासियों को भी ये पूरा पता है कि कोई वो उत्सुकता वाली बात अब नहीं रहेगी, क्योंकि जो 32 पार्षद है कांग्रेस के, 29 निर्दलीय कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है अभी, और आने वाले आधे घंटे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजकरण चौधरी ही वो आने वाले 5 साल के लिए चेयरमैन है। भाजपा नेता हमने अशोक से बात की थी, उनका कहना था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, आपको लगता है क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो BJP वाले कांग्रेस की तरफ अगर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो 32 अभी जैसे 29 कांग्रेस है और 3 निर्दलीय है वो शायद भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक, ऐसा लग रहा है। तो हम कुछ और पार्षदों से बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ तारचंद सैनी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तारचंद जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करें, तारचंद जी कितने आश्वस्त हो नगर पालिका के चेयरमैन को लेकर? बिल्कुल एकदम फुल आश्वस्त है एकदम, और राजकरण जी चौधरी चेयरमैन बन रहे हैं, कांग्रेस को बहुमत मिला है और वे सार्थक बहुमत मिला है। मैडम जनता ने जिता के भेजा है, किस प्रकार के विकास कार्य करोगे आप? सड़क नालियाँ और लाइट वगैरह। पिछले दफा चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार जनता ने आपको समर्थन किया, जिता के भेजा है, किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? बस जनता का वार्ड का विकास और जो प्राथमिकताएं पहले से तय हैं और जो योजनाएं हमने बना रखी हैं उनको लागू करने का ध्येय है। आपका तो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आप हालांकि पूर्व में पार्षद नहीं थे उसके बावजूद भी आपके वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला जो कि बड़ी उपलब्धि थी, क्या लगता है आपको? बस उसी प्रकार की उपलब्धियाँ हम आगे और तय करेंगे और इसी प्रकार के विकास कार्य करवाएंगे ताकि हमें आगे वोट वार्ड के आराम से मिल सके।
तो आप देखते हैं पीछे लंबा चौड़ा काफिला वो कांग्रेस के नेताओं का है, कांग्रेस के पार्षद उस काफिले के अंदर आए हैं, बड़े बड़े नेता वो सभी इस काफिले के अंदर आए हैं। जो अशोक जो भवनलाल शर्मा है वो भी वहाँ बैठे हुए हैं और अपने पार्षदों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। कुछ और पार्षद भी अब निकल के आएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि कितनी देर के अंदर वोटिंग समाप्त हो जाएगी। अब कितना समय और लगता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि अंतिम 5 मिनट है जब प्रत्याशी वो सब बाहर होंगे और आने वाले 10-15 मिनट वो होंगे जो जिसमें मतगणना चलेगी, तो आधा घंटा आप मान के चलिए कि आधे घंटे में परिणाम है वो सामने होंगे। राजकरण चौधरी की व्यक्तित्व की बात करें तो किस प्रकार का व्यक्तित्व ये रहे हैं, कितनी राजनीति रही इनकी, क्या कुछ है? देखिए इनके पिता थे वो पूर्व चेयरमैन थे और उनके कार्यकाल को आज सदाशहर में याद किया जाता है। इनका कार्यकाल अगर माने पिछले अगर 5 साल की बात करें तो लगातार प्रतिपक्ष नेता के रूप में सदाशहर में लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे। लगातार मुख्य बाजार की बात करें, मुख्य बाजार में पानी इकट्ठा होना, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो चेयरमैन थे वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, राजकरण चौधरी है वो लगातार जनता के बीच में बने रहे। उनका आज उसी का जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है कि राजकरण चौधरी है वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं, राजकरण चौधरी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। कितनी अब समय लगेगा या फिर क्या लगता है आपको कितने समय राजकरण चौधरी बाहर आएंगे? मुझे लगता है कि 5 मिनट के अंदर राजकरण चौधरी है वो बाहर होंगे और 5 मिनट के बाद में वो मतगणना शायद शुरू हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं अगर राजकरण चौधरी अगर मतगणना के अंदर रहते हैं तो वो बाहर नहीं आएंगे, मतगणना में ही रहेंगे। हमारे साथ आसिफ खोकर भी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, आपके ताऊजी चुनाव जीत के हैं, एक आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत के आई है, किस प्रकार के विकास कार्यों की प्राथमिकता रहेगी? पंडित मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में सदाशहर में जो 5 साल से विकास पिछड़ चुका था उसको सही पटरी पर लाने का काम करेंगे। मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारे चेयरमैन राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में ये काम करेंगे। जो पिछले तारा देवी जोशी के कार्यकाल में काम हुए थे उसकी पुनरावृत्ति करके जो 5 साल में विकास कार्य नहीं हुए उनको सही ढंग से करवाने का काम करेंगे। राजकरण चौधरी जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, चेयरमैन बनते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें आप? चेयरमैन बन चुके हैं, बनते हुए नहीं आ रहे हैं, चेयरमैन बन चुके हैं। 32+ वोट उनको मिल चुके हैं, मतदान हो चुका है। अभी आपको कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा कि राजकरण चौधरी सदाशहर नगर बनेगा। उम्मीद है राजकरण चौधरी से? बहुत सारी उम्मीदें सदाशहर की जनता को और अपनी उम्मीदों पर खरे भी उतरने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ विकास कार्य होने चाहिए? बहुत विकास कार्य होंगे, आप सोच नहीं सकते, इतने अनेक अनेक काम होंगे जो सदाशहर के अंदर काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं उसके काम करवाए जाएंगे। आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत के आई है, आपके ताऊजी भी चुनाव जीत के, तो वार्डवासियों को क्या कहना है? वार्डवासियों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह मिला हमको, पहले हमारा एक वार्ड था अब 2 वार्ड हो गए, इसलिए हम नूर मोहम्मद जी के नेतृत्व में दोनों वार्डों में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आपके परिवार से भी लगातार जो पार्षद वो जीतते आए हैं, तो कितना बड़ा आपका वहाँ पे जो वार्डवासियों का कितना सहयोग रहा आपको? बहुत बड़ा सहयोग रहा है, 30 साल से हमारे वार्ड में हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, 95 से लगातार जीतते आ रहे हैं, वार्डवासियों का प्यार और स्नेह हमें बराबर मिल रहा है। हमारे साथ मनोज है, मनोज कहना है कि कांग्रेस लगभग आश्वस्त नजर आ रही है, मुझसे बात करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आश्वस्त पूरी नजर है और कहीं ना कहीं से ये सबको अनिला चायल उनसे हम बात कर लेते हैं। अनिला चायल ने अपनी दादी को हरा के चुनाव है वो जीता है, अनिला से बात करते हैं। अनिला जी, आप अपनी दादी को हरा के नगरपालिका पहुंचे, क्या कहना है समर्थकों को? कुछ भी नहीं। वार्डवासियों के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी, आपने कहा था कि काफी एजुकेशन के मामले काफी काम करें, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी देखो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, अभी से कुछ प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती, बट लेट्स सी आगे का प्लान जो भी दादाजी लोग बोलेंगे, बट मेरा एजुकेशन को लेके है, जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा। आपने अपनी दादी को चुनाव हराया था, दादी मिले आप चुनाव के बाद? नहीं नहीं, मैं किसी से भी नहीं मिली। आशीर्वाद लेने जाओगे आप? जी जरूर, मेरी दादी है, वो रिलेशन थोड़ी खत्म होता है। निश्चित रूप से इन्होंने अपनी दादी को चुनाव हराया, जितेंद्र राज भी है उनसे। जितेंद्र जी, राजकरण चौधरी बनने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों का और पूरे शहर की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम धन्यवाद, जो हमारा घोषणा पत्र था हम उसी के आधार पर काम करेंगे, सब सर्वप्रथम हम पब्लिक का काम करेंगे, उसी को हम धन्यवाद मानेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आग के सोलों को कोई खा नहीं सकता, धरती को कोई उठा नहीं सकता, उसी प्रकार से भवनलाल शर्मा को कोई मिटा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। एक सवाल और, उपाध्यक्ष कौन होगा? अभी तय नहीं हुआ है, अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करेंगे उसके बाद। नहीं अभी देखिए बहुत से सीनियर लोग हैं, सब मिल बैठ कर सर्वसम्मति से तय करेंगे। बहुत बहुत नूर मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। नूर मोहम्मद जी, लगातार वार्डवासी आपको जिताते आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे वार्डवासियों से? वार्डवासियों का बहुत बड़ा धन्यवाद है, बार बार जिता रहे हूँ। आपके ऊपर भी चर्चा चल रही थी कि आप भी नगर पालिका के चेयरमैन हो सकते हो, राजकरण चौधरी बन, पार्टी जो तय करती है वही होता है। राजकरण चौधरी को क्या कहना चाहोगे आप? काम की उम्मीद रखते हैं कि विकास काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेर मोहम्मद जी भी है, आपके बेटे चुनाव जीत के आए, हमसे चुनाव से पहले भी हमसे चर्चा की थी आपने और कहा था जीत के आएंगे, निश्चित रूप से वैसा ही हुआ। जीत के चुनाव तो देखो हमारा नेतृत्व ही ऐसा है, जो चुनाव तो हम जीतते हैं, लेकिन जो हमारा घोषणा पत्र है, राजकरण चौधरी हमारे चेयरमैन है
और विकास की गति बढ़ाएंगे। जो पिछले 5 साल जो शहर को नुकसान भोगना पड़ा वो हमारे मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में और राजकरण चौधरी के चेयरमैन के नेतृत्व में विकास की गति बढ़ाएंगे और शहर का जो घोषणा पत्र है उस पर लागू करेंगे जल्द से जल्द। राजकरण चौधरी करीब करीब नगर पालिका का चेयरमैन बनना तय हो चुका है, आप भारी मतों से चुनाव आपके बेटे भी जीत के आए हैं, जनता को क्या कहना चाहोगे सदा से जनता को? औपचारिक गिनती बाकी है, बाकी राजकरण चौधरी तो पर्चा भरा उसी दिन चेयरमैन बन गए थे, चेयरमैन तो उसी दिन बन गए थे जो पर्चा भर के गए। हम 32 है वो 23 है, ये तो तय है। मुझे जिनका कहना था कि राजकरण चौधरी चुनाव लगभग नगर पालिका चेयरमैन बन चुके हैं, जैसे समीकरण की माने तो वो भी यही दर्शाते हैं कि राजकरण चौधरी के सर है वो ताज सज जाएगा। राजकरण चौधरी की एक बार फिर से लौटते हैं इनके ऊपर, तो किस प्रकार का इनका काम रहा है पिछली दफ़ा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष, क्या कुछ कार्य इनका रहा? देखिए अगर राजकरण चौधरी का कार्यकाल माने तो जो एक भूमिका होनी चाहिए प्रतिपक्ष नेता की, उन्होंने चेयरमैन की भूमिका निभाई, प्रतिपक्ष नेता की नहीं चेयरमैन की भूमिका वो जनता के बीच में निभाई, लगातार जनता के बीच में बने रहे, लगातार जरूरी नहीं है कि वो नगर पालिका से जुड़ी ही समस्याएं हो, अन्य जो मुद्दे थे उनको लेकर भी राजकरण चौधरी है वो लगातार जनता के बीच में जाते थे। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी रात को लगभग 10 बजे, राजकरण चौधरी उस पत्थरबाजी के बीच में थे, उन्होंने उस मोर्चे को संभाला, कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि वो जो घटना हुई थी उस पर विराम लगाने की कोशिश है, वो राजकरण चौधरी की एक बड़ी भूमिका उसमें भी रही थी। और कहीं ना कहीं अगर शहर की समस्याओं की बात करें तो लगातार राजकरण चौधरी है वो उन समस्याओं के बीच में जाते थे, जहां पर उन्हें सूचना मिलती थी कि यहां पर हमारी समस्या है उन वहां जाते थे और उसको निस्तारण करने की पूरी कोशिश है वो राजकरण जी चौधरी करते थे। तो राजकरण चौधरी करीब करीब नगर पालिका अध्यक्ष बनना तय है, कुछ ही समय के बाद परिणाम भी आ जाएगा।